एक मुकदमा दर्ज करा था हमने 238 नंबर 1 अगस्त 2023 को IMT रोहतक में। इसमें जो कंप्लेनेंट है उनका ट्रॉली चोरी हो गया था। इसके बाद हमारे जो AVT स्टाफ है और SHO है उन्होंने इस केस के ऊपर काम किया और हमने एक बड़े गैंग को बस्ट किया है। अभी जो हमारे पास अरेस्टेड लोग हैं, 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। पहले का नाम है राजेश जो कि भिवानी के से रहने वाला है, दूसरा है करण जो कि रोहतक का रहने वाला है, और तीसरा है सोनू जो झज्जर का रहने वाला है। इन्होंने कम से कम 4-5 जगहों पे चोरी कबूल करी है और रिकवरी भी करवाई है। इनके ऊपर अभी तक जो हमें मिले हैं वो 16 मुकदमे हैं, जिसमें से 6 रोहतक के और बाकी 10 में से दादरी, झज्जर, जींद और सोनीपत के मुकदमे हैं। अभी जो इन्होंने रिकवरी कराई है, रोहतक के जो हमारे मुकदमे हैं 6 मुकदमे, उसमें से 5 जो ट्रॉलियाँ चोरी हुई थी वो रिकवर हो चुकी हैं, और जो छठा ट्रॉली इन्होंने चोरी किया है, इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने वो छठा ट्रॉली किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया था, जिसने उसको काट के आगे बेच दिया था। उस कबाड़ी वाले को पकड़ने के लिए भी अभी भरसक प्रयास किए गए हैं। उसके अलावा जो बाकी जो रिकवरीज है वो भी धीरे धीरे लिए जाएंगे। तो लगभग 7 रिकवरीज हो गई हमारी, 7 ट्रॉलीज रिकवर हो चुकी हैं हमारी। और ये एक पूरे हरियाणा में ये चोरी करते थे और ये इस साल से ही ये गैंग एक्टिव हुआ और काफ़ी बड़ी गैंग है। तो मैडम क्या सिर्फ ट्रॉली ही टारगेट होता था या और भी चोरियाँ हैं? नहीं, ट्रॉलीज ही इनका मेन टारगेट, ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स पे ही रहता था। और इन्होंने रेंट पे भी एक ट्रैक्टर ले रखा था जिससे कि वो ट्रॉलियों को बांध के और फिर ले जाते थे रात के अंधेरे में। इस गैंग में अभी एक कबाड़ी वाले का जैसे मैंने बताया वो भी अरेस्ट करना है, और जैसे इनका अभी रिमांड आज तो ख़त्म हो गया, एक और जो अक्यूज था उसका रिमांड लिया है, उसके रिमांड में कुछ और अगर बात आगे सामने आएगी तो और अरेस्ट हम लोग करेंगे आगे। तो पहले क्या ये उस चीज़ की रेकी करते थे, किस तरह से जी ये एक दो दिन पहले रेकी करते थे, मतलब पता करते थे किसकी ट्रॉली है जो रात को मतलब रोड वगैरह पे बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि बहुत लोग रात को अंदर भी कर लेते हैं। तो जो बाहर रहते थे इनका मेन टारगेट्स वही होता था आउटर एरिया से। जी 16 मुकदमों का तो लिस्ट मैंने बता दिया, वो आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। 16 मुकदमे के अलावा अगर कोई और अक्यूज इसमें अरेस्ट होता है जो कि हमारे रिमांड पीरियड में पता चलेगा तो और भी मुकदमे इसे खुल सकता है। इनका कोई बैकग्राउंड कुछ इस तरह? जी बैकग्राउंड ये नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और नौकरियाँ नहीं हैं इनके पास, और एक दो इसमें नशे के भी आदि हैं, तो वो भी हो सकता है जिसके कारण से ये क्राइम की तरफ गए। जी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।